सबसे डरावनी तस्वीर इंटरनेट पर। सबसे डरावनी तस्वीर एक शहरी किंवदंती है जो एक खूबसूरत युवा एशियाई लड़की की एक अजीब पेंटिंग के बारे में है जिसने आत्महत्या कर ली। पेंटिंग को शापित कहा जाता है और यदि आप इसे काफी देर तक देखते हैं तो छवि बदलने लगेगी और उसका चेहरा भयानक और राक्षसी हो जाएगा। माना जाता है कि कहानी की उत्पत्ति चीन में हुई थी। किंवदंती के अनुसार ये एक किशोर लड़की की तस्वीर है जो दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश में रहती थी। उसका प्रेमी कलाकार था और वह उसका चित्र बना रहा था। स्कूल में बच्ची को बदमाशी का निशाना बनाया गया था। वह बहुत नाजुक स्वभाव की थी और वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां वह अब और नहीं सह सकती थी और उसने आत्महत्या कर ली। जब उसके प्रेमी ने उसकी मौत की खबर सुनी तो वह इतना आहत हुआ कि उसने पेंटिंग खत्म कर दी। उसकी एक कॉपी उन सभी लोगों को भेज दी जिन्होंने उसे धमकाया। फिर उसकी मौत हो गई। बदमाशों में से एक को एक ही मेल में तस्वीर मिली। जब उसने तस्वीर को देखा तो माना जा रहा है कि वह पागल हो गया है। उसने दावा किया कि उसने महसूस किया कि एक सड़ता हुआ हाथ उसके चेहरे को पकड़ रहा है और वह अगले दिन पड़ोसी के पिछवाड़े में छिपा हुआ पाया गया, चिल्ला रहा था। वह आ गई, वह आई, वह बीमार हो गया और बिस्तर तक ही सीमित हो गया। डॉक्टर समझ नहीं पाए कि उसे क्या हुआ था और 3 महीने बाद उसकी मौत हो गई। तब से तस्वीर इंटरनेट पर प्रसारित हो गई है और लोग अजीब घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। जब वे इसे बहुत लंबे समय तक देखते हैं, लोग उसकी ज्वलंत नीली आंखों से खुद को आकर्षित और सम्मोहित पाते हैं। पेंटिंग के दीवाने हो गए एक कलाकार को बाद में उनके घर में मृत पाया गया। उसने फांसी लगा ली थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप उसकी आंखों में बहुत देर तक देखते हैं तो उसका चेहरा एक भयावह और भयानक दृश्य में बदल जाएगा। दूसरों का कहना है कि उसकी आंखों में घूरने से उसका भूत आ जाएगा। वे कहते हैं कि जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपके साथ एक दोस्त होना सबसे अच्छा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है या वास्तव में कुछ बेवकूफी है जैसे कि अपनी जान लेना।